दोस्तों हुंडई की कई गाड़ियों में क्रूज कंट्रोल आने लगा है। आज का मेरा ये वीडियो क्रूज कंट्रोल के ऊपर है कि आप किस तरीके से क्रूज कंट्रोल को लगा सकते हैं और यूज कर सकते हैं। कार दुनिया से मैं विनी आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए देखते हैं हुंडई की गाड़ियों में किस तरीके से आपको क्रूज कंट्रोल को यूज करना है। दोस्तों इस समय मैं बैठा हूं हुंडई क्रेटा के टॉप मोस्ट वेरिएंट SX ऑप्शनल में और आपको क्रूज कंट्रोल इसी गाड़ी में चेक करवाने वाला हूं। ये है मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट, इसमें मैं क्रूज कंट्रोल को लगा के दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से क्रूज कंट्रोल को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली बात आती है कि क्रूज कंट्रोल होता क्या है। देखिए नॉर्मली जब हम गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो एक्सलेटर पैडल को हमें कंटिन्यूस प्रेस करके रखना पड़ता है गाड़ी को चलाने के लिए, लेकिन क्रूज कंट्रोल से बेनिफिट ये मिल जाता है कि आप ड्राइव करते समय अगर आपने गाड़ी को क्रूज पे डाल दिया है तो आपको एक्सलेटर पैडल को कंटिन्यूस दबा के रखने की जरूरत नहीं है। आप उस वक्त आप एक्सलेटर पैडल से अपना पैर हटा सकते हैं और गाड़ी क्रूज मोड पे चलती रहेगी। जैसे कि ये हुंडई क्रेटा है टॉप मोस्ट वेरिएंट, उसमें देखिए यहाँ पे ये जो बटन आप देख रहे हैं ये क्रूज कंट्रोल के बटन हैं। नॉर्मली अगर आप हुंडई की गाड़ी देखिए या फिर और भी कोई कंपनी की गाड़ियाँ देखिए तो उसमें क्रूज कंट्रोल के बटन कुछ इसी तरीके से दिए होते हैं। प्लेसिंग्स हो सकता है किसी और जगह पे हो, हुंडई की गाड़ियों में नॉर्मली जो प्लेसिंग्स रहती है वो यहाँ पे राइट हैंड साइड के कंट्रोल्स में दे रखी है। क्रूज कंट्रोल जब आपने क्रूज को चला मतलब क्रूज को जब एक्टिवेट कर दिया उस वक्त आप एक्सलेटर पैडल से अपने पैर को हटा लीजिए और यहीं से आप गाड़ी की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। आज मैं आपको यही चीज़ प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं, हम सबसे पहले तो गाड़ी को ड्राइव करते हैं और फिर आपको क्रूज चेक करवाते हैं किस तरीके से लगता है। हुंडई की गाड़ियों में अबव 30 क्रूज कंट्रोल को लगा सकते हैं, यानी अगर आप 30 के नीचे क्रूज को लगाएंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। इसमें देखिए यहाँ पे ये बटन्स हैं जिसमें सबसे ऊपर जो है ये क्रूज को एक्टिवेट करने का बटन है। मैं देखिए इस समय गाड़ी की स्पीड 30 से कम है, प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे। अब मीटर पे ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि गाड़ी की स्पीड 30 के नीचे क्रूज एक्टिवेट नहीं होगा। मैं और स्पीड को बढ़ाता हूँ और 30 के ऊपर लेते हैं, फिर आपको चेक करवाता हूँ। ये मैं स्पीड को 30 देखिए क्रॉस हो गई। अब जब मैं इसके ये बटन को प्रेस करूँगा तो सामने देखिए क्रूज लिख कर, एक मिनट दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए जैसे मैंने इस ऊपर टॉप वाले बटन को प्रेस किया सामने ये देखिए क्रूज लिखकर आ गया और जिस स्पीड पे मैंने प्रेस किया उस स्पीड पे ही ये सेट हो गया, जैसे कि 34 की स्पीड पे ये सेट हो गया और मैंने एक्सलेटर से देखिए पैर हटा दिया है और ये गाड़ी 34 पे मेंटेन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्पीड। अब आपको अगर स्पीड को बढ़ानी है तो यहाँ पे ये जो नीचे की तरफ ये लीवर दिया हुआ है इससे आप ऊपर करिए और देखिए मैं ऊपर करता जा रहा हूँ। 11 की स्पीड ये बढ़ा रहा है, 37 कर दिया और ऊपर किया, ये 38 हो गया, फिर ये 39 हो गया और गाड़ी की स्पीड देखिए इधर की तरफ आप देखिएगा ये बढ़ रही है। इतना मैं इधर रख रहा हूँ उधर ही इतनी स्पीड मेंटेन करता जा रहा है। और अभी मैंने जैसे कि ब्रेक दबाया, जैसे ही आप ब्रेक दबाएंगे ये क्रूज को वापस कट ऑफ कर देगा। अब वापस मैंने लास्ट स्पीड सेट करी थी, आई थिंक 38 पे मैंने करी थी, उसको रिज्यूम करने के लिए यहाँ पे ये बटन है। देखिएगा मैं वापस प्रेस करूंगा, ये सॉरी 39 पे थी, वापस देखिए 39 पे ये मेंटेन कर देगा गाड़ी की स्पीड को। देखिए स्पीड उठा रहा है, मैं एक्सलेटर पैडल से अपना पैर को हटाए हुए हूँ, देख सकते हैं आप, एक मिनट ये देखिए और ये गाड़ी उसी स्पीड पे मेंटेन रखे है 39 पे। अगेन मुझे और स्पीड उठानी है तो मैं इसको बढ़ाता जाऊँगा ऊपर की तरफ और ये स्पीड को इंक्रीज करता रहेगा। कम करनी है अगेन सेम प्रोसीजर, इसी लीवर को आप इस वाले लीवर को नीचे करते जाइए और ये देखिए स्पीड को ये कम करता जाएगा। मैंने एक्सलेटर पैडल से अपने पैर को हटा रखा है तो ये हो गया। इसके क्रूज को स्पीड को कम करना ज़्यादा करना बिना आप एक्सलेटर पैडल को दबाए आप क्रूज कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही भी आपको ब्रेक दबाएंगे, जैसे अगेन मेरे सामने ट्रैफिक आ गया, मैंने ब्रेक दबाया और ब्रेक दबाते ही ये क्रूज ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगा। वापस लगाना है बस आप इस बटन को प्रेस कर दीजिए तो ये सॉरी अब स्पीड 30 के नीचे थी तो 30 के नीचे ये वर्क नहीं करेगा। मुझे अगेन एक्सलेटर दे के 30 ऊपर ले जानी पड़ेगी और फिर देखिए जैसे मैंने लगाया ये लास्ट सेट करी उस सेट स्पीड पे ये वापस पहुंच गया। इसके अलावा अब बात आती है कि अगर आप क्रूज मोड पे हैं और एक्सलेटर देते हैं तो क्या होगा। बिल्कुल सर काम करेगी गाड़ी, देखिए मैं जैसे ही एक्सलेटर दे रहा हूँ गाड़ी क्रूज पोजीशन पे है। लास्ट सेट देखिए 35 दिखा रहा है लेकिन इधर से स्पीड गाड़ी की बढ़ रही है क्योंकि मैं एक्सलेट कर रहा हूँ। तो ये चीज़ है, अगर आपको क्रूज मोड पे भी सडन कोई चीज़ आती है और आपको एक्सलेटर देना पड़ता है यानी गाड़ी को स्पीड उठानी पड़ती है तो आप बिना कैंसिल करे आप इसको स्पीड उठा सकते हैं। तो ये चीज़ है, इसमें क्रूज में एक्सलेटर काम करेगा लेकिन जो है जब आप एक्सलेटर को छोड़ेंगे तो ये वापस जो आपने स्पीड को सेट कर रखा होगा ये उसी पोजीशन पे आ जाएगा जब तक आप क्रूज को कैंसिल
नहीं करेंगे। और अगर आपको ये मानिए कि अगर आपने जैसे कि सेट जो हमने कर रखा है 33 पे है और मैं मैन्युअली एक्सलेटर पैडल को प्रेस करके गाड़ी की स्पीड उठा रहा हूँ, देखिए 33 है और इधर 45 है, इस यानी बड़ी स्पीड पे अगर क्रूज को सेट करना है तो यहाँ पे स्टीयरिंग पे ये जो सेंटर बटन है इसको बस नीचे कर दीजिए, ये देखिए, तो जो भी स्पीड थी उसी स्पीड पे क्रूज भी वापस सेट हो गया और आप वापस एक्सलेटर पैडल पे देखिए पैर को हटा सकते हैं और गाड़ी उसी मोड पे क्रूज करती रहेगी यानी चलती रहेगी। तो ये हो गया इसमें क्रूज के ये सारे बटन्स किस तरीके से आपको वर्क करने हैं, क्रूज लगाने के लिए, स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए या फिर वापस रीसेट करने के लिए, और ये कैंसिल या फिर या वापस उसी मोड पे जो लास्ट आपने सेट किया है उस पे लाने के लिए क्रूज को ये वाला बटन दे रखा है। तो ये हो गया क्रूज के बटन्स। अब बात आती है क्रूज को कैंसिल करने के लिए क्या प्रोसीजर है। देखिए क्रूज को एक तो यही बटन हो गया कैंसिल करने के लिए, आप इस बटन को प्रेस कर दीजिए क्रूज हो जाएगा कैंसिल, ये देखिए कैंसिल हो गया, और वापस इसी को प्रेस कर दीजिए क्रूज वापस रीसेट हो जाएगा। इसके अलावा मैं वैसे मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं तो ये देखिए मैं क्लच को अभी प्रेस करूंगा, देखिए जैसे मैंने क्लच को प्रेस किया ये क्रूज हो गया कैंसिल। तो यहां पे जब भी आप क्लच को प्रेस करेंगे ये क्रूज कैंसिल हो जाएगा, और वापस जब कैंसिल हो जाता है तो उसको लगाने के लिए इसी बटन को प्रेस कर दीजिए, ये क्रूज वापस अपनी जगह पे लग गया। इसके अलावा ब्रेक पेडल देखिए तीसरा ऑप्शन हो गया, जैसे ही मैं ब्रेक को दबाऊंगा, मैं फिर से दिखाता हूं, मैंने क्रूज लगा देता हूं और ये देखिए मैंने जैसे ब्रेक दबाया ये क्रूज हट गया। तो इस तरीके से आप इसके क्रूज को लगा सकते हैं इन बटन से, और वापस कैंसिल करना है तो बटन से कैंसिल कर दीजिए, क्लच दबा दीजिए, ब्रेक दबा दीजिए, क्रूज हो जाएगा कैंसिल। तो ये इसमें ऑप्शंस हो गए क्रूज के। अब आई बात, मैं जो ड्राइव कर रहा हूँ वो मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ, तो इसमें क्या होता है कि जब आप मैनुअल में भी जैसे आप एक्सलेटर देते हैं यानी स्पीड बढ़ाते हैं तो आपको मैनुअली गियर को चेंज करना पड़ता है। तो उसी तरीके से देखिए जब मैं क्रूज पे इसको डालता हूँ, पहले तो मैं 30 के ऊपर स्पीड ले जाऊँ और मैंने क्रूज पे डाल दिया, ये देखिए क्रूज पे आ गया। अब मैं स्पीड को उठा रहा हूँ, मैं गियर को नहीं चेंज कर रहा हूँ, गाड़ी को थर्ड गियर पे रख रखा है और मैं स्पीड उठाता जा रहा हूँ, मैं इसे बढ़ाता जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ। देखिए गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, गाड़ी से मैं थर्ड गियर पे ही है और स्पीड बढ़ गई और स्पीड बढ़ गई, 60 पहुँच गई, 70 पहुँच गई, इंजन की नॉइज़ बढ़ती जा रही है, मेरे सामने ट्रैफिक आ गया, मुझे लगाना पड़ गया ब्रेक। मैं वापस डाल देता हूँ इसको क्रूज पे, अब देखिए 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 बढ़ती जा रही है स्पीड, मैंने यहाँ से स्पीड को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, गियर को नहीं चेंज कर रहा क्योंकि ये मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी है, ये ऑटोमेटिकली गियर को चेंज नहीं करेगी, यहाँ पे आपको गियर को मैनुअल ही चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए गाड़ी की स्पीड बढ़ती जा रही थी, इंजन नॉइज भी बढ़ती जा रही, लेकिन गियर को मैनुअल ही बढ़ाना पड़ेगा, और जब आप मैनुअली बढ़ाएंगे तो आपको क्लच दबाना पड़ेगा, जब क्लच दबाएंगे तो उस वक्त यहाँ पे क्रूज हट जाएगा और क्रूज वापस लगाने के लिए आपको ये बटन को प्रेस करना ही पड़ेगा, ये नीचे वाले को। तो इस तरीके से इसमें क्रूज को कंट्रोलिंग है, मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको मैनुअली गियर चेंज करने पड़ेंगे, ऑटोमेटिक में ये प्रॉब्लम नहीं आती, ऑटोमेटिक में गियर अपने आप चेंज करती जाती है। सो दोस्तों आपने देखा हुंडई में क्रूज कंट्रोल को किस तरीके से यूज करना है। अबव 30 आप किसी भी स्पीड पे क्रूज को लगा दीजिए, खाली रास्ता हो बस आप एक्सलेटर पैडल को दबाने की जरूरत नहीं, स्टीयरिंग से ही आप गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। मैनुअल ट्रांसमिशन में बस ये है कि स्पीड के अकॉर्डिंग आपको गियर को कम ज्यादा करना पड़ेगा मैनुअली, ऑटोमेटिक में ये भी नहीं करना है, आप स्टीयरिंग से ही स्पीड बढ़ाइए या घटाइए। तो ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा हुंडई की क्रूज कंट्रोल के ऊपर। इवन अगर आप कोई और भी कंपनी की गाड़ी यूज कर रहे हैं तो क्रूज कंट्रोल लगाने का प्रोसीजर यही रहता है। ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल कार दुनिया को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूं और भी इस तरीके के नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल, थैंक यू।